नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सच्ची संगत साधु के। बहुत दिनों पहले की बात है, उज्जैनी के पास पीपल के एक विशाल वृक्ष पर एक कौआ और एक हंस पड़ोसी की तरह रहा करते थे। थे तो वे पड़ोसी, परंतु दोनों ही प्रकृति में बहुत भिन्न थे। कौआ कुटिल था, हंस साधु था। एक दिन दोपहर को जब सूर्य अपनी तीव्र गर्म किरणों की अग्निवर्षा कर रहा था, एक शिकारी थका मादा धूप से व्याकुल आया और उस पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गया। पीपल के पत्तों के बीच में से धूप छन कर शिकारी के मुंह में पड़ रही थी, इससे वह और हलाकान हो रहा था। हंस के मन में दया आई और उसने पीपल के पत्तों के बीच में से अपने पंख यानी डैने फैला दिए ताकि शिकारी के मुख को कुछ छाया मिल सके। कौआ हंस के इस सज्जनतापूर्वक कार्य को देखकर जल भून गया। वह नीचे गया और शिकारी के मुंह पर बीटकर तेजी से दूर उड़ गया। मुख पर बीट पड़ने से शिकारी की नींद उड़ गई। उसने ऊपर देखा कि हंस डाल पर बैठा हुआ है। शिकारी को भान हुआ कि हो ना हो इसी हंस ने बीट किया है। बस उसने धनुष बाण उठाया, निशाना लगाया और हंस को मार गिराया। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग दुष्टों की संगत में रहते हैं वे हमेशा उसी हंस की तरह दुख भोगते हैं। धन्यवाद।